नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सलमान खान गद्दार हैं, पाकिस्तान चले जाएं, कहा प्रवीण तोगड़िया ने। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने याकूब मेमन का बचाव करने पर फिल्म अभिनेता सलमान खान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि सलमान गद्दार हैं और उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बेहब नेता ने कहा कि जिस तरह भारत में आतंकवादियों का बचाव और समर्थन किया जा रहा है, उसे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का भी हौसला बढ़ रहा है और वे भारत में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। सलमान पर निशाना साधते हुए तोगड़िया ने कहा कि 1947 में बंटवारे के समय सलमान के पिताजी ने जो भारत में रहने की गलती की थी, वे अब उसे सुधार सकते हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी पाकिस्तान जाने की सलाह दी। डॉक्टर कलाम राष्ट्र रत्न हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर देश में छाए शोक के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें राष्ट्र रत्न बताया और कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि यह होगी कि देश के लिए उनके द्वारा देखे गए सपनों को साकार किया जाए। भाजपा संसदीय दल की बैठक में कलाम के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मोदी ने उन्हें असाधारण शख्सियत वाला ऐसा साधारण व्यक्ति बताया जिसने अपने द्वारा संभाले गए हर पद पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कलाम पहले राष्ट्र रत्न हैं और उसके बाद राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम के शुरुआती जीवन को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन दिखाता है कि एक व्यक्ति क्या कुछ हासिल कर सकता है। लोगों को प्रेरित करता रहेगा डॉक्टर कलाम का ट्विटर अकाउंट। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका ट्विटर अकाउंट आगे भी एक नवीन रूप में सक्रिय रहेगा। उनके करीबी सहयोगों की एक टीम ने निश्चित किया है कि उनका आधिकारिक ट्विटर अकाउंट अब इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर कलाम के नाम से सक्रिय रहेगा। कलाम के करीबी सहयोगी सृजन पाल सिंह अब उनके ट्विटर खाते को चलाएंगे और उनकी विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबों और ढेर सारे भाषणों के दौरान उनके द्वारा दी गई प्रेरक शिक्षाओं को साझा करते रहेंगे। शहीद पुलिस अधिकारी का अंतिम संस्कार करने से परिवार का इनकार। दीनानगर में सोमवार को आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस अधिकारी बलजीत सिंह के परिवार वालों ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि पहले राज्य सरकार उनके पुत्र को पुलिस अधीक्षक रैंक और उनकी पुत्रियों को तहसीलदार के पद के लिए नियुक्ति पत्र दे। दिवंगत पुलिस अधीक्षक की पत्नी कुलवंत कौर ने बताया कि उनके ससुर की शहादत के बाद उनके पति के लिए नियुक्ति हासिल करने में करीब 2 साल का समय लगा था। परिवार को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।